दिन दहाड़े मासूम बेकसूरों की जान ले रहे हैं, तो उन्हें कंट्रोल करने वाली व्यवस्था ही उन्हें पाल रही है। ऐसे कुछ इंसिडेंट्स देखकर ही इस इंटरव्यू में आया हूं सर। उन्हें ये पावर किसने दी सर? इलेक्शन में वोट देने वाला वोटर सोचता है कि वो नेता उसकी जिंदगी बदल देगा। हमेशा लूटने की कोशिश में ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करने वाले पॉलिटिशियन, जनता के लिए काम न करके साहूकारों के लिए काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स, इस जाल में फंसकर हमारी जिंदगी कोई नहीं बदलेगा सोचकर अपना वोट बेचकर जी रहे हैं वोटर। चक्र पूरा हो गया सर। इस व्यवस्था में एक और आईएएस ऑफिसर आएगा तो क्या, जाएगा तो क्या, चाहे वो मैं रहूं या चाहे कोई और रहे। 75 साल से सरकार है इसी भ्रम में जी रहे थे सर, पर उस सरकार की असलियत क्या है ये कोई नहीं जानता सर। What's the point of this interview, sir, if not a pseudo-intellectual masturbation? मिस्टर अभिराम, इस टेम्परमेंट के साथ आप इस फील्ड में काम नहीं आओगे। आई एम सॉरी। थैंक यू सर, मैंने भी यही रियलाइज किया है। एक सिविल सर्वेंट के साथ ईगो क्लैश की वजह से मैं इस गेम में आया था, पर आते वक्त रास्ते में ही समझ आ गया था इस खेल में रूल्स नहीं है, बल्कि ये खेल ही नहीं बस खिलवाड़ है। ये मेरे भैया की कंपाइल की हुई रिसर्च रिपोर्ट से अंकल घर खाली करते वक्त मिली थी। मुझे तो ये पक्का एक पॉलिटिकल मर्डर लगता है। आई विश आई कुड हेल्प, बट सिस्टम ही रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो फिर मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? मैं यूएस जाते ही WHO में रिपोर्ट कर दूंगी। आप यहाँ से ये केस रीओपन करने में हमारी मदद करेंगे क्या अंकल?